अध्यक्ष महोदया, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक नहीं कह रहे, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी इनकी सारी सरकारें और उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि मणिपुर से उनका कोई लेना देना नहीं। जब से मणिपुर की घटना घटी है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। मणिपुर के अंदर 6500 FIR हो गई 90 दिन के अंदर, 3 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में 6500 FIR हो गई, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। मणिपुर में 4000 लोगों के घर जला दिए गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 60000 लोग बेघर हो गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 350 धार्मिक स्थल जला दिए गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। केंद्रीय फोर्सेस आसाम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच में खुलेआम झगड़ा हो गया और गोलाबारी हो गई, जो आज तक भारत में कभी नहीं हुई कि सेंट्रल फोर्सेस और लोकल पुलिस के बीच में झगड़ा हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर भारत की थू-थू हो रही है, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर इस पे चर्चा हुई, अमेरिका के अंदर इस पे चर्चा हुई, वहां के नेताओं ने इसकी थू-थू की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चुप रहे, कुछ नहीं बोले। और एक दिन जब एक वीडियो चारों तरफ सर्कुलेट हुआ जिसमें हमारी 2 या 3 बहनों को निर्वस्त्र करके सड़क के ऊपर घुमाया गया और उनके साथ खुलेआम सरेआम कई लोगों ने मिलकर गलत काम किया, तब भी प्रधानमंत्री जी चुप रहे। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, यहां तो ये रोज ही हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक देश का प्रधानमंत्री एक पिता के समान होता है सबके लिए। वो जो बेटियां जिनके साथ ये गलत काम किया जा रहा था, या जितनी इतनी बेटियों के साथ उनके मुख्यमंत्री का, बीरेन सिंह का कहना है कि ये तो रोज हो रहा है यहां पे। लोग प्रधानमंत्री को रोज याद नहीं करते। आज मेरे घर में सब्जी नहीं बनी, घर में पानी नहीं आ रहा, तो लोग प्रधानमंत्री को याद नहीं करते। प्रधानमंत्री को याद तब करते हैं जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तब आदमी याद करता है यार मेरा प्रधानमंत्री मेरे को बचाएगा। उन महिलाओं के लिए तो सब कुछ फेल हो गया था जिनको निर्वस्त्र करके वहां पर खुलेआम सड़कों पर घुमाया गया और खुलेआम उनके साथ गलत काम किया गया। वो तो बेटियां हैं हमारे देश की, वो तो प्रधानमंत्री जी की उम्र के हिसाब से वो तो उनके पिता समान है। पोजीशन के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी प्रधानमंत्री तो उनके पिता समान है। और जिस दिन अगर बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही है और बाप कहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेटियां कहां जाएंगी? बाप अगर ऐसे मौके पर मुंह मोड़ ले तो बेटियां कहां जाएंगी? मैं देख रहा था एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो मणिपुर का रहने वाला, उसका एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था। वो प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त होता था, अंध भक्त होता था। उसका पिछला ट्विटर अकाउंट उठा के देखो, उसने मोदी जी के लिए अंध भक्ति में पिछले कई सालों से खूब ट्वीट किए हुए हैं। वो रो रहा था उस वीडियो में, और रोते हुए कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी, मैंने नहीं सोचा था कि आप हमें इस तरह से धोखा देंगे, मैंने नहीं सोचा था कि आप हमारी पीठ में छुरा घोपेंगे, आप हमें हमारे हाल पे इस तरह से छोड़ देंगे। ये सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये अकेला प्रधानमंत्री आज जो पिछले 9 साल में 50 बार नॉर्थ ईस्ट गया था। अध्यक्ष महोदया, हमारा कोई रिश्तेदार हमारे खुशी के मौके पे तो रोज आए, लेकिन जिस दिन मुसीबत हो उस दिन मुंह मोड़ ले। तो आदमी तो असली दोस्त तो वही होता है ना जो मुसीबत में काम आता है। असली साथी वो थोड़ी होता है जो कि शादी ब्याह में। तो जब हमारे घर में मुसीबत आई, जब मणिपुर के अंदर मुसीबत आई, जब मणिपुर जल रहा था, लोग मर रहे थे, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा था, तब आपको सुध नहीं आई, तब आप अपने कमरे के अंदर कुंडी मार के बैठ गए। पूरा देश इस टाइम स्तब्ध है और पूरा देश पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है। प्रधानमंत्री ना कुछ कर रहे हैं और ना कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी का कारण क्या है, यह पूरे देश के अंदर इस वक्त चर्चा का विषय है।
और ये पहली बार नहीं है, पिछले 9 साल के अंदर जब जब इस देश के ऊपर आपदा आई, जब जब इस देश के अंदर कोई आपदा आई, ये प्रधानमंत्री चुप हो गए, अपने कमरे में जाके अंदर कुंडी मार के बैठ गए।